गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी ला रही हूँ जो खाने में सभी की फेवरेट रहती है। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ छोले की। सो गाइस, चलते हैं किचन में। सो गाइस, मैंने ये रात में भिंगो के रखा था छोले, और बटाटे मैंने काट के रखे हैं। अब इसे हम पानी में डालेंगे, इसे बॉईल कर लेंगे। मैं बटाटे भी साथ ही में डाल रही हूँ। अब इसमें इसे दो सीटी आने देंगे, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। सो गाइस, पहले मसाला तैयार कर लेंगे हम। मैंने एक कांदा ले लिया है, इसे हम मिक्स जार में डाल देंगे। लहसुन 8-10 लिए हैं, दो अदरक के टुकड़े इसे भी डाल देंगे। खड़ा धनिया इसे भी डाल देंगे। दो हरी मिर्च लिए मैंने, थोड़ा जीरा डालेंगे, आधा चम्मच जीरा। एक चम्मच खसखस, कच्चा मसाला। गाइस, मैं दो चम्मच कच्चा मसाला डाल रही हूँ। कच्चे मसाले में सब कुछ मिक्स है। डेढ़ चम्मच डालना है, दो चम्मच नहीं डालना, क्वांटिटी के हिसाब से डालना। तो गाइस, ये तैयार हो गया। अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। गाइस, मसाला पीस के तैयार हो गया है। जितना लगेगा उतना ही यूज करेंगे, पूरा यूज नहीं करना है। इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए। गाइस, मैंने टमाटर भी पीस के रख दिया है। एक बड़ा टमाटर ली हूं मैंने। ये छोले बॉईल हो चुके हैं, आलू को भी बॉईल करके रख दिए हैं। सो गाइस, अब हम फ्राई करने जा रहे हैं। गाइस, हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं। इसे गरम करने रख देते हैं। सो गाइस, इसे गरम होने देते हैं। सो गाइस, ऑयल गरम हो गया है, हम मसाला डाल देंगे। बस इतना बच रहा है, मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ। मसाले को हम होने देंगे। सो गाइस, मसाला हो गया है, देख सकते हैं रेड रेड हो गया है हल्का। इसमें अब हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को पीसने से उसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से बनती है।
हम पूरे मसाले डाल देंगे इसमें। आधा चम्मच से ज्यादा डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च। हल्दी आधा चम्मच, नमक एक चम्मच, अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालें नमक। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम छोले डाल देंगे। बटाटे भी डाल देंगे। इसे मिला देंगे अब अच्छे से। इसे 5 मिनट हम ढक देंगे। इसे 5 मिनट होने देंगे हम। इसे 5 मिनट होने देंगे। तो गाइस मैंने जो छोले को बॉईल किया था उसका पानी मैंने बचा के रखी हूँ, वही पानी को हम इसमें डालेंगे। उसे उस पानी को फेंकना मत, वही पानी को यूज करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गाइस 5 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अभी से हम 15 मिनट पका लेंगे। तो गाइस 15 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। ये हो गई है। अब इसमें हम छोले मसाले डाल देंगे एक चम्मच। अब इसे हम 5 मिनट और होने देंगे, मसाला थोड़ा अच्छे से हो जाए। 5 मिनट होने देंगे फिर हम इसे बंद कर देंगे। हाँ बेटा। सो गाइस ये बनके अब तैयार हो गई है। इसमें हरा धनिया डाल देंगे। मैं हरा धनिया बहुत ही कम डाल रही हूँ, आप लोग ज्यादा डालना। तो गाइस ये बनके तैयार हो गई है। सो गाइस ये बनके तैयार हो गई है बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। एक बार आप भी ट्राई करें। सो गाइस आपको कैसा लगा मुझे बताना, एक बार ट्राई करना। ढाबा स्टाइल में बनी हुई है ये। छोले को भटूरे के साथ खाने में बहुत मजा आता है, इसे भटूरे के साथ खाएं। मैं जल्द ही भटूरे की रेसिपी आपको दूंगी। सो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबके लिए बाय बाय।